हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पहले पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि आप सबसे सॉरी, क्योंकि बहुत डिले हो गया है, बहुत दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोग की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। सॉरी, दिल से सॉरी इसके लिए। सो आज जो है हम लोग थोड़ा लॉन्ग वीकेंड है और घूमने जा रहे हैं, तो आज हम लोग जो है जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? होगेनेकल फॉल्स। तो इवान अंदर देखिए, उसको भी आना है तो ले आओ, उसको भी ले आओ। हाँ, तो मैं जैसे कि कह रहा था कि आज हम लोग होगेनेकल फॉल्स जा रहे हैं, तो उसको कवर करेंगे। सुना है बहुत अच्छा है, बट डिपेंड करता है कैसा है रश। जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा रश होगा, बट देखते हैं कैसा भी होता है, आप लोग को बताते हैं। सो इवान भी आ गया है। इवान, हेलो गाइस। सो ये आ गए नन्ने मुन्ने हमारे इवान बेटा। गाइस, होगेनेकल का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से अराउंड 110 किलोमीटर्स है मेरे घर से। सो अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे का जर्नी है। ट्रैफिक भी दिखा रहा है, इसी वजह से मेरी मे बी 3 आवर्स का दिखा रहा है, बट देखते हैं कितने। आज संडे है सो जल्दी ही कवर कर सकते हैं, मे बी नहीं भी, बट डिपेंड करता है। सो आज गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूँ, आज जो है विभव चला रहा है। विभव से आप लोग मिले होंगे पहले, मिले ना? अगर नहीं मिले तो हमारा बनारस वाला वीडियो देख लीजिएगा। सो गाइस, हम लोग जो है पहले स्टॉप पे रुके फ्यूलिंग के लिए। अभी जस्ट स्टार्टिंग किया तो मैंने कहा पहले यार फ्यूलिंग कर लो, थोड़ा सा कम था पेट्रोल उस गाड़ी में। सो बस फ्यूलिंग करके फिर निकलेंगे वापस। फाइनली हम लोग ट्रिप शुरू कर चुके हैं। 9 बज रहा है जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फीलिंग वीलिंग सब खत्म हो चुका है। उठे थे 6:30 बजे उठे थे। अब यार बच्चे के साथ जाना है तो मतलब थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। सो एनीवे ट्रिप चालू हो चुका है, बैक सीट में आज मैं आराम कर रहा हूँ। तो आज ये देखिए हमारे साथ है विभव जो गाड़ी अभी चला रहा है। आज मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ आज जो यहाँ से अभी दिखा रहा है 3 घंटा 6 मिनट का डिस्टेंस। उम्मीद है मुझे कि विभव जल्दी कवर करेगा। सो इसी के साथ ट्रिप को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग ने पहला स्टॉप ले लिया ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूख लगी बहुत जोर की, तो पहले पेट पूजा की। हम लोग आगे ए टू बी में थोड़ा सा खाया पिया जाएगा और फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। अरे बाप रे, इतना बड़ा सा ट्रक आ गया है भाई तो क्या कह रहा था मैं, बुला देते यार ये। हाँ, तो हम लोग अभी नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, ये देखिए, ये है ए टू बी की बात कर रहा था। यहाँ का डोसा वगैरह बहुत अच्छा है, देखिए मैंने भी तो हम लोगों ने खाया है यहाँ पे, अच्छा रहता है। अच्छा, गुड प्लेस। तो चलिए गाइस, हम लोग थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर निकलेंगे। आई डोंट नो कि उधर कुछ मिलेगा कि नहीं, तो ब्रेकफास्ट करके फिर वहाँ पर पहुँचेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस। ए टू बी में तो वेटिंग था, सो खा के निकल लेंगे। तो अभी फाइनली पिज़्ज़ा हट भी ओपन नहीं था, तो अभी हम लोग फाइनली सुबह सुबह KFC में पहुँच गए। चिकन खाएंगे, चिकन नहीं तो कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली, यही ऑप्शन है। भूख बहुत जोर की लगी है तो खाएंगे और खा के सीधे भाग लेंगे यहाँ से। क्या कहते हो, चिकन खाओगे आज? नहीं, मुर्गी खाओगे? मुर्गी देखो मुर्गी खाएगा ये ऑन कैमरा बोल रहा है। नॉट मुर्गी, बुर्गी। बुर्गी गाइस आ गया, चिकन मील, वेज मील प्लस एक्स्ट्रा बर्गर्स सब आ गया। पीसेस नहीं आए। खाना वाना हो गया है पूरा, अब चला जाए भाई गाड़ी की ओर जा रहे हैं। अरे वाह, XUV नहीं, XUV है भाई। पिज्जा, अरे अभी तो KFC खा दिया है, अभी पिज्जा आते टाइम। पर अभी इवान कह रहा उसको पिज्जा खाना है, KFC में खा के उसका मन नहीं भरा।
ऐसे खाते पीते रहेंगे। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाएंगे बेटा, थोड़ा भी घूम के आते हैं उसके बाद। ये लो, सबको हाय करो पहले, तुम सबको पहले हाय करो। मूड में नहीं लग रहा अभी। गाड़ी निकाला जा रहा है, निकालो निकालो जल्दी निकालो गाड़ी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मुझे लग रहा है, फैक्ट्री यूनिट कह रहा हूँ मैं। ये इनका फैक्ट्री ही है। ये देखो ना लिखा हुआ टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सही है भाई, सही है। अच्छा कुछ तो अच्छा देखने को मिला। इतने घटिया रोड, मतलब 2 किलोमीटर तक इतना गंदा रोड था। तो हम लोग आ गए भाई, फाइनली गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। और इतनी गर्मी भाई साहब, तानिया बहुत गर्मी सारा खतरनाक वाली गर्मी है। अगर आप लोग को होगा ना कल फॉल्स आना है तो आप लोग सुबह में ही आ जाना, हम लोग की तरह इतना लेट मत पहुंचना। नहीं, हम लोग के रेट का रीजन भी तो है ना, ऋषि रहता है, उसको तैयार करना रहता है। कुल मिला उठ तो गए थे 5 बजे, लेकिन पहुँच रहे कितने बजे? अभी बज रहा है डेढ़ बजे। तो ये सब थोड़ा है, कुछ कर नहीं सकते। चलिए आपको तो दिखाते फॉल्स। जो एक चीज़ जो यहाँ पे नोटिस किया है वो यहाँ पे फिश, ये देखिए, मतलब स्टॉल्स, खूब सारे स्टॉल्स है। अगर आप फिश लवर है आप लोग को मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। और भी है, मतलब कुल मिला के अगर फिश की बात करें तो यहाँ पे मज़ा आने वाला खा के। अभी तो नहीं, अभी पहले हम लोग जो है फॉल्स घूम के आएंगे, फिर अगर ट्राई करना अगर करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो ऑयली खा के अजीब सा लगने लगेगा, इसीलिए अभी खाना नहीं चाहते हैं। सो मार्केट है, अच्छा खासा मार्केट, भीड़ देखिए भाई सर। ये भी तो बोल रहा था ना यहाँ पे, अच्छा बिस्मिल्लाह होटल है। शांति बिरयानी होटल टिपिकल केले के पत्ते पे चल रहा है। गाइस गर्मी भयंकर है और लाइन भी लोगों की वैसी, रश भी बहुत जबरदस्त। तो मैं तो लाइन में लगा नहीं। विभव तुम कुछ बोलना चाहोगे? लाइन ऐसा काउंटर पे नहीं, बट हाँ प्राइस का क्या है वो थोड़ा एंड ऑफ द वीडियो बताया जाएगा क्या है क्या। अभी नहीं है। अभी पहले बोट पे बैठते हैं, कोराकल लाइट्स करना है ना यहाँ पे, तो बैठते हैं फिर आप लोग को थोड़ा डिटेल देते हैं। मतलब यहाँ पे अलग लेवल की थोड़ी लूट बची हुई है, वो भी बताएंगे। तो डिसाइड करेंगे अभी नहीं, बताते आप आस पास दिखा दो। ये देख लीजिए, तब तक आप लोग भीड़ देखिए। और ये भैया है हमारे, इसी में जाएंगे गाइस। इधर बैठ गए हम लोग। हाँ ये देखिए, ये माने हमने नया चश्मा लिया। ओह ये, ओह वाओ।
गजब की धूप है, लेकिन एक कैप लेके आते तो मजा आता। वो देवर मस्त घुमा रहा है, अरे क्या घुमा रहा है भाई। पहुँचेंगे हम लोग थोड़ी देर में। ये लाइन लगी है, सारे बोट वाले इधर से एक्चुअली आते हैं, क्योंकि जस्ट फ्लो बहुत है ना, तो लाइन लगती है पूरी यहाँ से बोट वालों की भी। तो चल रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं, काफ़ी रश है ना, तो हम लोग का बोट वाला भी लग ही गया है। तानिया और इवान दोनों बैठे हैं, देखिए मतलब वहाँ से बोट की लाइन लगी है, एक एक करके जा रहे नीचे और लोग वेटिंग में गर्मी में। लेकिन मुझे लगता है जब बैठेंगे बोट में तो अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है, देखते आगे। तो गाइस हम लोग जो है इतने मेहनत करने के बाद कोराकल लाइट में फाइनल बैठ चुके हैं। इतनी भीड़, ये तो मतलब सील बोट ट्रैफिक जाम वाला हो सीन हो गया था। ये है रिची, इवान को देखिए, आहा आहा मजा आ रहा है इवान। ये राइड का मज़ा ही अलग है, मतलब पूरा फॉल के बाद अच्छे से, गर्मी बहुत है, बस एक ही चीज़ है, पसीने बहुत आ रहे हैं। तमिलनाडु मतलब ही गर्मी है ना। वाह वाह, भाई जी, भाई जी, भाई जी, आरे देख रही।
Once more, Ivan, once more. No. He doesn't want. No. ये देखिए हमारा छठने क्या कर रहा है रे व्हाट अ मूव ये भैया अपने अलग ही मजे में फ्रेश वाटर गाड़ी में बैठ चुके हैं, वापस जा रहे हैं अभी घर की ओर। और हाँ, अब आप लोग को डिटेल्स दे दें, वहाँ पे डिटेल्स देना सही नहीं था क्योंकि बंदा बोट चला रहा था, शायद अच्छा नहीं लगता उसको, तो इसलिए बोला भी नहीं। तो गवर्नमेंट चार्जेस जो है 1500 रुपये है टिकट का, बोट में 5 पीपल बैठ सकते हैं। 1500 रुपये पूरे बोट का है ना? हाँ, बोट का है। 1500 रुपये पूरे बोट का है, और जो नाविक है वो उसमें वो अलग से 1000 रुपये लेगा। वो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। सीन ऐसा है कि आप जो है ना इन लोग से डायरेक्ट अगर जाके बात करेंगे तो 3-3.5 हज़ार रुपये मांगेंगे, बट आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, और 25 तक मान जाते हैं, 2500 तक। सो हम लोग ने भी वही किया और 2500 में मान गए। अच्छा खासा घुमा दिया। लगभग 1 घंटा का रहता है ना पूरा राइड, 1 घंटा पूरा राइड हुआ। अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। बस गर्मी बहुत थी, हालत टाइट हो गई। तो ये है कि जब मतलब थोड़ा और जो ये मौसम मैं कहूँगा, जैसे सितंबर के बाद मेरे ख्याल से और अच्छा हो जाएगा, तब और आने लायक रहेगा। तो बस इतना ही, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि हम लोग को और सपोर्ट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।